हेलो, वेलकम टू द लॉ स्कूल जर्नी। आज हम देखेंगे हाउ टू डील विद बेयर एग्स। तो बेयर एग्स से कैसे डील करना है। बेयर एग्स होता क्या है? पतली सी किताब होती है, दिस टाइप ऑफ, हाँ, येलो कलर की होती है। अभी तक यही पता है हमें, आगे देखते हैं बेयर एग्स होता क्या है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सिर्फ पतली नहीं होती हैं, कभी कभी बहुत बल्कि भी होती है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, तो ये बल्कि तो होगा ना, तो इसलिए इसकी बेरेक भी बल्कि होती है। ठीक है, तो हम बेरेक बेर बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता भी है बेरेक होता क्या है। तो ये देखते हैं, व्हाट इज द बेरेक। ठीक है, व्हाई आई हैव टू यूज इट, मैं क्यों करूँ इसे यूज, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ, व्हाई टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, कैसे यूज करनी है इसे, ये भी पता होना चाहिए। खिलौने हैं, खेले कैसे, मोबाइल फोन है, इसे यूज कैसे करें, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये देखेंगे, व्हाट इज अ बेरेक्ट, बेरेक्ट होता है, ये पतली सी जो किताब है ये है क्या। तो अ बेरेक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। बेरेक्ट क्या होता है कि इसमें सारे लॉज होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। एक पर्टिकुलर लॉ है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ है, तो इसमें जो भी मर्चेंटाइल लॉ होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ होगा, उसमें सारे जो लॉज है वो इसमें होंगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो इतने लॉज वगैरह होते हैं उसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, ठीक है, चैप्टर्स में, सेक्शंस में, अमेंडमेंट्स में ऐड कर दिए जाते हैं इसमें, ये सब इसमें मिल जाएगा हमें। ठीक है, फाइन, ओके। सो व्हाई बेरेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, बेरेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़नी है हमें। तो बेरेक्ट क्या होता है, एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉ होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉ होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा हमारी पारित किया जाता है। हमें ये तो प्रोसेस हमने पढ़ा था पॉलिटी में 10th 12th में, कि सबसे पहले बिल पास होता है, ठीक है, तो वो पास होता है, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाके कोई बिल जो है वो एक्ट बनता है और ये लॉ बन जाता है। ठीक है, बेरेक्ट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ द लॉज। बेरेक्ट में होते हैं समरी ऑफ द लॉज होती है। ठीक है, लॉज कितने बड़े होते हैं, ठीक है, इसकी पूरी जो कमेंट्रीज होती है बुक्स, देखिए हमने इतनी इतनी बड़ी, हाँ, तो ये क्या है, समरी ऑफ बुक्स लॉज है। ठीक है, तो ये इसलिए पतली है, फाइन, ओके। सो नोट इट, क्यों पढ़नी है, व्हाई बेरेक इज इम्पोर्टेंट। तो बेरेक से क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जुडिशरी में, APO एग्जाम में, UPSC लॉ ऑप्शनल में, या फिर ऐसे और भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बेरेक से आते हैं। तो हमें बेरेक इसलिए पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स लर्न हाउ टू यूज द बेरेक्ट, बेरेक्ट को यूज कैसे करना है। तो बेरेक्ट होती कौन सी आती है, एक तो यूनिवर्सल की आती है, प्रोफेशनल की आती है, और बाकी भी काफ़ी लॉ हाउसेस की आती है। तो मेनली जो होता है वो यूनिवर्सल की अच्छी होती है। बाकी जो लॉ है बेरेक्ट वो तो सब में सेम रहेगा। एक प्रेजेंटेशन का वे होता है वो यूनिवर्सल का मुझे अच्छा लगता है, और अगर आपके हिसाब से आपको अगर कोई और बेटर लगती है तो यू कैन यूज दैट। ठीक है, फाइन, लेट्स लर्न हाउ टू यूज द बेरेक्ट। ओके, सो बेरेक्ट का अंदर वाला जो सीन है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले वहां पे क्या होता है, एक टाइटल दिया होता है, हमें क्या दिया होता है, टाइटल दिया होता है सबसे पहले, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, ठीक है, टाइटल दिया है। ये जो नंबरिंग दिख रही है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, एरो जा रही है रेड कलर की, तो ये क्या है, हमारे सेक्शन है, क्या है, सेक्शन है, फाइन, ओके। तो इतना जो बल्कि हमारा लॉ होता है उसे हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत तोड़ते हैं, चैप्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर नंबर 1 है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस हमारे पास हैं तो वो इसमें हम डाल देते हैं, फाइन। ऐसे ही रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम रिस्पेक्टिव सेक्शंस डाल देते हैं, क्लियर। सो दिस इज अ बेरेक्ट, फाइन, चलो देखते हैं बेरेक्ट का नज़ारे देखते हैं अभी। ठीक है, ओके, सो ये हमारी आ गई बेरेक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है ना हमारा नाम, टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइटल हमें ध्यान रखना है कि क्या टाइटल है। ठीक है, सेक्शंस हमने देख लिए क्या होते हैं, चैप्टर्स के बारे में देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बेरेक्ट दिखती है, लुक एट दिस, इसके सब सेक्शंस भी होते हैं, फाइन, और कुछ सेक्शंस रिपीट होते हैं उसमें, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं ये रिपीट लिखा होगा, फाइन, ओके। सो दिस इज द बेरेक्ट, फाइन। सो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन टिप, अब बेरक के बिना कोई भी लॉ क्लास अटेंड करने मत जाना, फाइन? हमने देखा है बेरक क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बेरक के बिना मत जाना, पेन पेंसिल के बिना मत जाना। सो और अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो इसे लेके बैठे साथ में, फाइन? तो ये सब कुछ हमने दिया हुआ, क्लियर? ओके, सो ऐसी होती है हमारी बेरक। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, इसमें इलस्ट्रेशन भी दी होती है काफ़ी। ओके, ये काफ़ी इलस्ट्रेशन हमें दी गई हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, हम प्रैक्टिकली समझ पाते हैं कैसे क्या सिनेरियो क्या है, वो हमें इलस्ट्रेशन बताती हैं। ओके, सो दिस इज इट, ठीक है? अब चलते हैं हमारी आगे की जर्नी में। तो आर्टिकल्स वर्सेस सेक्शंस, कई बेरिक्स में क्या होते हैं आर्टिकल्स दिए होते हैं, कई में क्या होते हैं सेक्शंस दिए होते हैं। अब हमने जो एक्ट पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी अपने अभी उसमें हमने क्या देखा, सेक्शंस देखे, क्या थे सेक्शंस थे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है उसमें क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसा, पता होना चाहिए ना, देखते हैं। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल रेफर्स टू द डिफरेंट सेपरेट रिटन इंस्ट्रूमेंट विच मे बी डिफाइंड मे बी विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेचू और कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? आर्टिकल क्या होता है इन बिग होते हैं, साइज में बिग होते हैं, उसका स्कोप होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज स्कोप होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बल्कि है, उससे पहले पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर उसे आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, फिर भी उसे आगे क्या हुआ एक्स्ट्रा में क्या प्लस किया है, शेड्यूल्स प्लस किए हैं। सो कमेंट डाउन कितने हमारे पास आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जर्नल है, जर्नल जीके है, तो ये पता होना चाहिए। सो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम बेयर एक्ट देखते हैं, तो बेयर एक्ट आ गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आ गया। तो इसमें क्या है, ओके, प्रीफेस दिया है, ये हमारे एब्रीविएशंस होते हैं, एब्रीविएशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है? तो ये भी हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। और ये है हमारा कंटेंट, कंटेंट में सबसे पहले हमारे प्रीएम्बल दिया गया है, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, ठीक है? उसमें पार्ट्स दिए गए हैं, 22 पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स हैं काफ़ी सारे, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली नंबरिंग में आर्टिकल्स हैं। और जैसे ये पार्ट नंबर वन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वैसे जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से जो डील करते हैं टॉपिक, तो जो है आर्टिकल्स हैं वो इसमें इसके पार्ट नंबर वन के अंडर है, फाइन? सो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैंड रिटन है, आज भी इसे प्रिजर्व करके रख रखा है, ठीक है, पार्लियामेंट में, लाइब्रेरी में, ओके? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, बहुत कुछ है, ठीक है? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, बोरिंग बैग कहा जाता है, कि बहुत अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है? सो आगे हम चलते हैं, सेक्शंस क्या होता है। अब हमने आर्टिकल्स का क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसमें क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं हमारे एक्ट्स में, ठीक है, यूजली ये में होते हैं। इट रेफर्स टू सब डिविजन्स इन अ स्टैचू, टेक्स्ट बुक और लीगल कोड, लीगल कोड हो कोई स्टैचू हो उस पर क्या होता है हमारे सेक्शन होते हैं, ठीक है? जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, ठीक है? दैट्स द सेम थिंग। ऑफन आर्टिकल इज बींग अंडरस्टूड एज अ वाइडर टर्म, वेयर एज सेक्शन इज अंडरस्टूड एज अ नैरो टर्म, ठीक है? आगे देखते क्या है ये, सेक्शन क्या होता है, छोटा होता है आर्टिकल से, ये बताया गया इसमें, ये सेक्शन जो है वो नैरो टर्म है एंड आर्टिकल जो है वो बड़ी टर्म है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, वो सेक्शन को डोनेट कर दो, मतलब सेक्शन जो है वो कॉइन से डोनेट कर सकते हैं आप, ठीक है? और आर्टिकल होता है बड़ा होता है, वो फुटबॉल से हम डोनेट कर सकते हैं, सो दैट्स द थिंग, फाइन। अब हमारा बहुत सा कंफ्यूजन आता है, हमने रूल्स पढ़ा होता है कि स्कूल रूल्स है, लॉज पढ़ा होता है कि लॉज ये होते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? बहुत जनरल वे में हमें कभी रूल्स की जगह लॉ भी यूज कर देते हैं, रूल लॉ की जगह रूल भी, लेकिन ये गलत है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होता है, देखते हैं क्या है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है रूल और लॉ में, इज द कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएट विद ब्रेकिंग दैम। अगर हम रूल्स को तोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसका कॉन्सिक्वेंसेज है वो अलग होता है, और लॉज को तोड़ते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेज अलग होता है। तो वो चीज़ हमें रूल्स और लॉज को अलग बनाता है। आगे, लॉज आर द लीगल वर्जन ऑफ द रूल्स, लॉज क्या है, लीगल वर्जन है रूल्स का। फॉर एग्जाम्पल आप जब बच्चे थे, आपके लिए पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, कुछ रूल्स सेट किए कि आपको होमवर्क करने से पहले आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, दैट इज द रूल। लेकिन गवर्नमेंट जब आपको कहते हैं कि जब आप कमा रहे हैं, इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम है आपकी, तो आपको इनकम टैक्स देना है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है, कि आपको सोसाइटी में रहते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेट ऑफ रूल्स लॉज बनाती है जिसे आप फॉलो करते हैं, लीगल वर्जन होता है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपको एज अ पनिशमेंट या फाइन्स देने पड़ेंगे। सो दैट इज लॉज, ठीक है, फाइन। इन ऑर्डर फॉर अ रूल टू बिकम अ लॉ, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैव टू हैपन, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लॉ टू बी मेड, ठीक है। जो रूल है उसे लॉ बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कोई भी छोटी सी चीज़ को उठा के आप लॉ नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। वंस लॉ इज मेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, एक बार लॉ बन गया तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का किम जोंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसने हर छोटी छोटी चीज़ को ना रूल होने चाहिए तो उसे लॉ बना के रखा है। जैसे मेरे जैसा कोई हेयर कट नहीं लेगा और मेरा नाम किसी और का नाम नहीं हो सकता, तो ये सब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अगर हर रूल लॉ बन जाता तो ऐसा हमें देखने को मिलता, ठीक है, हमारे इंडिया पे ऐसा अप्लाई नहीं हो सकता, हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है। एंड व्हेन अ लॉ इज ब्रोकन द कॉन्सिक्वेंसेस टेंड टू बी अनकंफर्टेबल बट माइंड, रूल तोड़ने पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन माइल्ड होते हैं, थोड़े कम लेवल पे होते हैं। लेकिन जब हम लॉ कोई तोड़ते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू रूल्स, ओके फाइन। रूल ऑफ लॉ या रूल बाय लॉ क्या होता है, ये भी हमने टर्म बहुत आसानी से सुनी है, बहुत यूजुअल सुनते आते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं होता कि क्या डिफरेंस है इसमें। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पार्लियामेंट है, वो हमारे लिए कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो क्या करती है, अपनी अनलिमिटेड पावर को एक्सेस करती है। रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, फाइन। रूल बाय लॉ क्या होता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो वो जो सिटीजन्स थे उन पे फोर्सफुली रूल किया, जो उनके डिसीजंस थे वो फोर्स्ड थे सिटीजन्स पे, दैट इज रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ। अब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी हमने पॉलिटी में बहुत पढ़ा है लेकिन आज तक समझ नहीं आया, अब आएगा, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मैच्योर है क्योंकि इसको पहले से बना हुआ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी पहले से बना हुआ है, तो उस पर से ये उठाया गया है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें क्या था, पहले क्या होता था कि लॉ बन गया, ठीक है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा था ना उसको पकड़ लेते थे, हाँ, अब लॉ को ही पकड़ लेंगे कि लॉ सही है या नहीं, फेयर है, जस्ट है या नहीं, क्या ऐसे पकड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट वाइल मेकिंग अ लॉ शुड नॉट डिप्राइव ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें क्या बताया कि अगर स्टेट जो है वो लॉ बनाती है तो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वो डिप्राइव नहीं कर सकती, उसका पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकती, उसकी लाइफ नहीं छीन सकती, ठीक है, जब तक वो लीगल काम कर रहा है। अगर वो इलीगल या क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहा है तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फांसी होती है तो दैट्स अंडर लॉ, ठीक है। जो लॉ है इसमें क्या है, एंड मेक श्योर दैट द लॉ शुड बी जस्ट एंड फेयर, जो लॉ है वो जस्ट भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस प्रोवाइड कर रहा हो, दिस जस्ट का मतलब जस्टिस है यहाँ, फेयर होना चाहिए, कैसा नहीं भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक उसी प्रोसीजर में, उसी प्रोसेस में लॉ बनना चाहिए जो प्रोसेस लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ मेकिंग प्रोसेस दिया है उसी को फॉलो करके हम लॉ बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इट स्टेट्स दैट अ लॉ एस्टेब्लिश बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ओनली वैलिड इफ द एग्जैक्ट प्रोसीजर इज फॉलो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, हमारा पार्लियामेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ बना सकती है, तो वो क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कैपेबल अथॉरिटी है, ठीक है, वही बना सकती है और वो लॉ बना देगी
वो तभी माना जाएगा जब तक वो एक सही तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करेगी। अगर वो प्रोसीजर सही फॉलो नहीं कर रही है तो वो लॉ को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। सोचो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, कितना परेशानी होती हमें। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट वन जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा और बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और प्रपोजल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस क्या होता है वो उससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ सेक्शंस कवर करेंगे जैसे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हम पहले निपटाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में ये सब होगा। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, keep learning, be happy. Jai Hind, signing off.